नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में 26 जनवरी की पार्टी के दौरान भोपाल की रहने वाली एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित रिवाज होटल की है। इस पार्टी में शामिल दो युवक युवतियों को शराब पिलाकर कमरे में ले गए, जहां दोनों युवकों ने एक एक कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद दोनों युवक युवती को कमरे में ही छोड़कर भाग निकले। वहीं युवती ने थाने पहुंचकर इस वारदात की शिकायत की। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक फरियादिया ने शिकायत की थी कि वो 26 जनवरी को अपनी फ्रेंड के साथ होटल गई थी कुछ मित्रों से मिलने। वहाँ पर उसको कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया और उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो इस आधार पर थाना यूनिवर्सिटी में आरोपियों के खिलाफ FIR रजिस्टर की जाकर और इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने आरोपी बताए गए? अभी इसमें फिलहाल दो बताए गए हैं और भी जो जाँच में आएगा, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।